जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एग्रेरियन अमीन लोधी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पाकपतन से। और आज हम बात करेंगे कि ऐसे एग्रेरियन जिनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है और वो अपने लाइसेंस को, अपने पेस्टिसाइड के लाइसेंस को बनाना चाहते हैं, अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो वो पेस्टिसाइड का लाइसेंस महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन से कैसे हासिल कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और वो कितने दिनों के बाद आपको वो लाइसेंस मिल सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक की बात कर रहे होंगे, तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम जो मुफीद वीडियोस हैं वो उन तक पहुंच सकें। तो मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा लाइसेंस के बारे में बताना चाहूँगा कि आमतौर पर जो लाइसेंस है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है एग्रेरियंस का और एक होता है जो जिन्होंने मैट्रिक की हो, क्योंकि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है इस लाइसेंस के लिए वो मैट्रिक रिक्वायर्ड होती है। जिन लोगों ने मैट्रिक की होती है ना उनका जो लाइसेंस है वो साल में दो दफ़ा बनता है, एक साल के स्टार्ट में मार्च में अप्लीकेशन जमा होती हैं, एक अक्टूबर में होती हैं, उधर अप्रैल और नवंबर में उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद वो अपना लाइसेंस बना सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो लोग एग्रेरियंस हैं जिन्होंने ज़राअत पढ़ी हुई है, ज़राअत की डिग्री हासिल की हुई है, उन लोगों के लिए कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं है कि वो दो दफ़ा ही बना सके, जब चाहे वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा कर वो लाइसेंस ले सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी जो लोग होते हैं ना जिनकी दो दफ़ा ट्रेनिंग होती है, जो मैट्रिक बेस पर लाइसेंस बना रहे होते हैं, उनका तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये जो फीस है ना वो उसका जो खर्चा आ जाता है अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरे करते हुए। लेकिन जो एग्रेरियंस हैं उनके लिए गवर्नमेंट की कोई भी फीस नहीं है, जस्ट उन्होंने अपने जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कम्प्लीट करने होते हैं और उसके बाद वो अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बात ये थी कि आप कैसे, मतलब कि एग्रेरियंस के लिए लाइसेंस बनवाने के लिए कोई फीस भी नहीं है और उनका कोई टाइम पीरियड भी नहीं है कि आपने इस मंथ आना, वो जब चाहे अपना लाइसेंस जो है ना वो बनवा सकते हैं, ठीक है। एक बात तो ये होगी। अब दूसरी चीज़ आती है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मेजर्स के लोग आते हैं कि हम क्या हमारा लाइसेंस बन जाएगा, हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से तो कंप्यूटर साइंस भी हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हो तो आपको एग्रीकल्चर का लाइसेंस, जो पेस्टिसाइड का जो है ना वो लाइसेंस मिल जाएगा। इसके लिए आपको ज़राअत के स्पेशल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर भी आपकी डिग्री होना लाजमी है, जिनमें एग्रोनॉमी है, एंटमोलॉजी है, सॉयल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, एग्री इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी। अब फूड टेक्नोलॉजी पे आके एक और बात आ जाती है कंफ्यूजन के, फूड टेक्नोलॉजी वो फूड टेक्नोलॉजी हो जो कि आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाके अपने मेजर सिलेक्शन करती हैं, वो एग्रीकल्चर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगी, बजाय इसके कि आजकल कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना वो बी एस फोर टेक्नोलॉजी ऑफर कर रही हैं, जिसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही फूड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वो इस लाइसेंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी जो मेन लिस्ट है वो आपके पास स्क्रीन में शो हो रही है कि आपने कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं जो अलाइड साइंसेज हैं जो एग्रीकल्चर के साथ अटैच हैं उनका आपको फ्री लाइसेंस बन सकते हैं। अब हम आते हैं कि प्रोसीजर क्या है, कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं और कितने देर में आपको लाइसेंस मिलेगा। सबसे पहले तो हम आते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ कि लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो होगी आपकी डिग्री की डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन, और आपका जो लाइसेंस बनेगा वो बनेगा अपने डिस्ट्रिक्ट के पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड, या इन शॉर्ट हम कहते हैं कि पेस्ट महकमा ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन के ऑफिस। इसके ऑफिस तहसील लेवल पर भी होते हैं और इनके जो ऑफिस हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी जो लास्ट डिग्री है, चाहे वो BSc की है या MSc की है, ये आप पे डिपेंड है कि आप किस बेस पर वो लाइसेंस बनाना चाहते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हेड या प्लांट प्रोटेक्शन के ऑफिस चले जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर वेरिफिकेशन लेटर बनवाएंगे। वेरिफिकेशन लेटर आप उधर से लेकर अपनी यूनिवर्सिटी में जो इतनी भी आपकी फ़ीस है वो जो फीस पे करेंगे, और साथ अपने जो लेटर की कॉपीज़ होंगी और जो आपको डिपार्टमेंट से ओरिजिनल लेटर मिला होगा वो आपने अपनी यूनिवर्सिटी में जमा करवा देना है। हफ्ते 10 दिन के अंदर जो आपकी डिग्री वेरिफिकेशन है, जो डिपार्टमेंटल हम इसको कहेंगे डिग्री वेरिफिकेशन, वो ऑफिस में पहुंच जाएगी। अब जितना टाइम है आपके पास, हफ्ते 7 दिन, 15 दिन, अगर मैक्सिमम 15 दिन भी रख सकते हैं, 15 दिन में आपने बाकी जो अपने डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करनी है। उसमें क्या क्या होगी,
दो तीन फॉर्म्स होते हैं वो आपको ऑफिस से मिल जाएंगे। उसके बाद जो मेन चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो है कि आपने एक अंडरटेकिंग बनवाना है। अंडरटेकिंग का जो स्केच है वो डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड कर देगा, आपने जो भी एफिडेविट है उसके अंदर मांगा है। अंडरटेकिंग में क्या होता है कि आपके पास उसमें ये लिखा होता है कि मैं जितने भी डिपार्टमेंट्स के रूल हैं मैं उनको फॉलो करूंगा, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं होती। उसके बाद आपने एक रेंटल एग्रीमेंट बनाना है। रेंटल एग्रीमेंट में क्या होगा कि अगर आप अपनी शॉप बना रहे हैं तो उसके अगर आपकी शॉप अपनी नहीं है तो आप लिहाजा किसी के साथ किसी से वो रेंट पे लेंगे, तो आपका वो किरायानामा बनेगा। किरायानामा के बाद आप ऊपर दो गवाहान के साइन करवाएंगे। ये एक बिजनेस रूल है वो आपको बनवाना ही पड़ेगा, वो आपको 100 रुपये वाले एफिडेविट पे बन जाएंगे। दो चीज़ें होंगी। और तीसरे नंबर पर आपको बनाना पड़ेगा नक्शा कि आप जिस जगह पर शॉप बना रहे हैं वहाँ पे आपको नक्शा अटैप बनाना पड़ेगा कि आपने मेन पॉइंट कोई भी रखना है, ठीक है, और उसके बाद आपने अपने दाएं तरफ कौन सी शॉप है, बाएं तरफ कौन सी शॉप है, आपका करीबी तरीन मेन जो पॉइंट है वो कौन सा। जिस तरह नक्शे बनते हैं आप किसी भी नक्शे वाले के पास चले जाएंगे तो वो आपको आपकी शॉप के अकॉर्डिंग नक्शा बना देगा। ठीक हो गया, तीन चीज़ें होंगी। उसके बाद जो दो एक दो फॉर्म होंगे वो आपको ऑफिस से ही मिल जाएंगे। तो अगर मैं आपको दोबारा फाइल में रिपीट करना चाहूँ तो आप क्या क्या होगा, आपकी एक बीएससी की डिग्री होगी, बीएससी की डिग्री की वेरिफिकेशन जो कि डिपार्टमेंट में पहुँच जाएगी, एक आपका किरायानामा होगा, एक आपका जो रेंटल एग्रीमेंट किरायानामा हो गया, अंडरटेकिंग फॉर्म होगा, अंडरटेकिंग फॉर्म के बाद आपका जो शॉप का नक्शा होगा। ये चीज़ें आपने फाइल में ले जाके आप उधर से फाइल रेडी करवा के आप उधर जमा करवा देंगे तो वो आपको हर महीने लाइसेंसिंग की मीटिंग होती है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आप 5 से 7 तारीख तक अपनी फाइल जमा करवा दें ताकि 15-20 तारीख तक जैसे ही मीटिंग वो अरेंज स्केड्यूल होगी ताकि वो आपको टाइमली जो है ना उस अपना लाइसेंस मिल सके। इसके लिए आपको कोई फीस की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके पास एग्रीकल्चर की डिग्री होना लाजमी है। और एग्रीकल्चर की डिग्री होगी तो आप ऑफिस में जाके उसी मंथ जो है ना वो अपना लाइसेंस ले सकते हैं। एक बात तो ये होगी कि आपने 4 लाइसेंस बन गया, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप शॉप वाकई ही करना चाहते हैं तो आप अपना लाइसेंस बनाएं, किसी को अपडेंट पे ना दें, क्योंकि ये आपके लिए आगे जाके बहुत सारे कानूनी मसाइल बन सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस टाइम आप शॉप बनाना चाहेंगे उसी टाइम ही ये आपका लाइसेंस बनेगा। अगर आपने कहा कि मैं ऐसे ही कोई शॉप बनाकर और शो करवा कर कोई लाइसेंस बन जाएगा तो ऐसी बात नहीं है। आपका प्रॉपर शॉप होगी, शॉप के बाहर आपका नाम लिखा होगा, उसके अंदर अलमारियाँ लगी होनी चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर सेटअप हो कि मेन कि आपका प्रोडक्ट मौजूद नहीं होगा, बाकी आपकी जो शॉप है वो मुकम्मल तौर पर हर लिहाज से रेडी होनी चाहिए तो आपका लाइसेंस बनेगा। अदरवाइज़ अगर आप वैसे ही अपना लाइसेंस बनवाना चाहेंगे तो वो आपको डिपार्टमेंट जो है ना वो लाइसेंस इशू नहीं करेगा। तो ये थी कि तमाम एग्रीरियंस जो कि बार बार पूछ रहे थे कि हमें लाइसेंस कैसे मिल सकता है, क्या इसका प्रोसीजर है, तो ये बिल्कुल ईजी सा तरीका है। जस्ट आपके जो डिग्री वेरीफिकेशन पर टाइम लगता है वही है, उसके बाद क्या होगा कि आप बहुत आसानी से जो है ना वो अपना लाइसेंस जो है ना वो ले सकते हैं। और मेरा मशवरा यही है कि आजकल जो जॉब्स की सूरत हाल है, अगर आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है तो आप एग्रीकल्चर फील्ड में पेस्टिसाइड शॉप बनाएं ताकि आप जो फार्मर्स को है ना वो बेहतर जो रहनुमाई है गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड करें ताकि फार्मर की इकॉनमी बेहतर होगी तो हमारे जो पाकिस्तान है उसकी इकॉनमी बेहतर होगी। जी शुक्रिया।